संस्कृत भाषा भारतीय और यूरोपीय भाषाओं की माँ मानी जाती है। इस भाषा के अपने ही मायने हैं। आजकल इस भाषा का इस्तेमाल भले ही कम होता हो, लेकिन कर्नाटक स्थित मथुर गांव विश्व का इकलौता ऐसा गांव है जिसने इस भाषा को अपने अंदर अभी भी संजोए रखा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान टीवी हिंदी और आज हम आपको बताएंगे इस अनोखे गांव के बारे में, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। इस भाषा का कोई जन्म नहीं हुआ था, ना ही इस भाषा की कोई मृत्यु होगी। सनातन धर्म यानी हिंदुत्व की रीढ़ है ये भाषा, लेकिन आजकल के फैले हुए मॉडर्न जमाने के कारण हम भारतवासी संस्कृत से एक तरह से अलग बलग ही हो गए हैं। देववाणी बोले जाने वाली संस्कृत भाषा आज की हिंदी और अंग्रेजी की भीड़ भाड़ में कहीं खो ही गई है। कम से कम मेरा मानना तो यही था कि संस्कृत का अस्तित्व सिर्फ धार्मिक किताबों और ग्रंथों तक ही सीमित है, लेकिन कर्नाटका में शिवमोगा शहर के करीब स्थित मथुर गाँव ने मेरी यह सोच को कुछ हद तक बदल कर रख दिया। दोस्तों, इस गांव का हर एक व्यक्ति संस्कृत भाषा का उच्चारण करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तत्र परंपरा अस्ति इति संस्कृत पैतृकम् इति नाम नामना एकं सीडी रचितवन्तः। अस्तु, इदानीं किम् इच्छन्ति भवन्तः? इस गांव में संस्कृत भाषा प्राचीन काल से बोली जाती है। इस गांव में न तो कोई रेस्टोरेंट है न तो कोई गेस्ट हाउस, लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा बोले जाने के लिए यह बेहद प्रसिद्ध गांव माना जाता है। यह पूरी दुनिया में एक ही ऐसा गांव है जहां संस्कृत भाषा का उच्चारण बखूबी से किया जाता है। यहां पर रहने वाले लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को यहां संस्कृत बोली नहीं आती, उनके लिए 20 दिन का एक कोर्स रखा जाता है। इन 20 दिनों में एक अच्छी संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया जाता है और वो भी मुफ्त में। इस गाँव के कुछ लोग संस्कृत भाषी युवा आईटी इंजीनियर हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं तो कुछ इंजीनियर। इस गांव की खासियत को अपनाने के लिए विदेशों से भी लोग इस गांव में आते हैं और यह माना जाता है कि यह दुनिया का संस्कृत बोलने वाला पहला एक लौता गांव है। मथुर गांव में कुल 537 परिवार रहते हैं जो 2864 की जनसंख्या को योगदान देते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से मथुर गांव में 1454 आदमी और 1410 औरतें रहती हैं। और यकीन मानिए, पूरी जनसंख्या रोजमर्रा के संवाद में संस्कृत का उपयोग करती है। करीब करीब 600 साल पहले संस्कृति ब्राह्मण समुदाय के लोग केरल से आकर इस गांव में बस गए थे और तब से लेकर आज तक मथुर गांव को अपना घर मानकर रहते हैं। 10 साल के पूर्ण हो जाने पर यहां के बच्चों को वेदों का शिक्षण दिया जाता है और यहां के सभी बच्चे संस्कृत धड़ल्ले से बोलते हैं। मथुर गांव में बड़ों और जवान लोगों की सोच में काफी अंतर दिखाई देता है। इस गांव के बड़े बूढ़े सख्त परिवर्तन के समर्थक हैं। आज भी दूसरे मजहब का कोई अगर इस गांव में आता है तो उसका स्वागत तिरछी निगाहों से किया जाता है। सारे रस्मों रिवाजों को निभाते हुए यहां शादियां पूरे 7 दिनों तक चलती हैं। मथुर गांव का अपराध देश में मौजूद ज्यादातर गांव से कम है। यहां जमीन को लेकर मारकाट नहीं होती क्योंकि यहां रहने वाले सभी लोग एक ही विस्तृत परिवार के सदस्य हैं। मथुर गांव के थोड़ी दूर स्थित हौसली गांव में भी संस्कृत भाषा बोली जाती है। हौसली गांव तुंगा नदी के करीब स्थित है। यहां के लोग गुमाक कला का समर्थन करते हैं। दोस्तों, गुमाक एक अलग किस्म की कहानी कहे जाने की शैली है जिसे हौसली गांव वालों ने जीवित रखा है। भारत को मथुर और हौसली जैसी और जगहों की जरूरत है। संस्कृत दुनिया की सबसे महान और पुरानी भाषाओं में से एक है और इस भाषा की पहचान सिर्फ धार्मिक किताबों और ग्रंथों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दुनिया में बोली जाने वाली कई भाषाएं संस्कृत भाषा से ही जन्मी हैं और मेरा कहना है कि संस्कृत एक भाषा ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, इसे सम्मान मिलना अनिवार्य है। प्रोफेसर श्रीनिधि का कहना है कि पेजावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृत भाषी गांव बनाने के लिए काफी प्रयास किया। हम सब ने संस्कृत में बातचीत करने का निर्णय लिया और एक नकारात्मक प्रचार को सकारात्मक मोड़ दे दिया। मात्र 10 दिन तक संस्कृत बोले जाने के लिए 2 घंटे का अभ्यास किया जाने लगा और इस तरह से पूरा गाँव संस्कृत में बातचीत करने लगा। लेकिन संस्कृत भाषा को इस तरह से महत्व देना सही मायने में काबिले तारीफ है। भारत को मथुर और हौसली जैसी और जगहों की जरूरत है। संस्कृत दुनिया की सबसे महान और पुरानी भाषाओं में से एक है और इस भाषा की पहचान सिर्फ धार्मिक किताबों और ग्रंथों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दुनिया में बोली जाने वाली कई भाषाएं संस्कृत भाषा से ही जन्मी हैं और मेरा कहना है कि संस्कृत एक भाषा ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, इसे सम्मान मिलना अनिवार्य है। दोस्तों, इस संस्कृत बोलने वाले गाँव वालों के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ऐसे ही किसी रोचक जगह के बारे में पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।